মই ক্লাছ ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আজি পাঠ হ'ব আঠুৱা পাঠ কাকে কি ৰা মে পই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে চাতুৱা পাঠৰ বুজি পাইছিলা বুলি আৰু লগতে তাত দিয়া অভ্যাসসমূহ তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আজি পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে মই তোমালোকক অভ্যাছো দিম চাম নে বাপু প্যাৰ দৰ্জে এ सत्य वह गोविंदा का घर है गोविंदा नरेंद्र का भाई है नरेंद्र के और तीन भाई है नरेंद्र की एक बहन भी है वे आज घर में नहीं है यह हमारा घर है हमारा घर बहुत सुंदर है घर के सामने एक बगीचा है वह मंजू है मंजू मोहन की बहन है वह पाँचवें दर्जे में पढ़ती है मेरी नानी बहुत प्यारी है मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती है यहाँ मेज पर एक किताब है किताब पर एक घड़ी है घड़ी कहाँ है घड़ी किताब पर है किताब मेज पर है ए गांधी जी है ये हमारे बापू है बापू जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है वे सत्य के पुजारी थे वे बच्चों को बहुत चाहते थे गांधी जी कहते थे हम सबको मिलकर रहना चाहिए मिलकर रहने से एकता बढ़ती है और सुख मिलता है एकता में ही बल होता है आशा रखीसूँ तुम लोग पाठ बुझी पासा बोली बोला अभ्यास करो कोष्टक से सही शब्द भरो बंदनी दिया शुद्ध शब्द खाली ठाई करा क गांधी जी बापू है गांधी जी हमारे बापू है मेरा ना बहन है मेरी जवाहरलाल चाचा है हमारे चाचा है नानी बहुत प्यारी है मेरी नानी बहुत प्यारी है दो नंबर स्व तालिका से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो का मैं की मेरा पर मेरी बॉक्स दिया से लक्ष्मण दोस्त है लक्ष्मण मेरा दोस्त है घर कोई नहीं है घर में कोई नहीं है घर में कोई नहीं है मेज़ पर एक किताब है मेज़ पर एक किताब है रीता बहन है रीता मेरी बहन है रीता भाई गोपाल है रीता का रीता का भाई गोपाल है, गोपाल बहन रीता है गोपाल की बहन रीता है आशा रखीसु तुम लोग बुझी पासा बोली नम्बर करो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो पूर्ण वाक्य लिखा लिख दिसे घर के सामने क्या है घर के सामने एक बगीचा है। गोविंदा किसका भाई है? गोविंदा नरेंद्र का भाई है कहानी कौन सुनाती है नानी कहानी सुनाती है बापूजी का पूरा नाम क्या है बापूजी का पूरा नाम मोहनदास करमचांद गांधी है गांधी जी क्या कहते थे गांधी जी सबको मिलकर रहने के लिए कहते थे मेज़ पर क्या है मेज़ पर किताब है घड़ी कहाँ है ঘড়ী কিতাপ পঢ়ে তোমালোকে পাঠ ভালকৈ পঢ়িবা পঢ়োঁতে তোমালোকে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গোটেই পাঠতে পাবা আশা ৰাখিছোঁ তিনি নম্বৰ তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি বিপৰীত অৰ্থবালে শব্দ জান লপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ শিকা ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা নে পুৰণি এক আনেক সোট আপোনাক প্ৰায়া দিন ৰাত আচ্ছা বুঢ়া মূৰ্খ পণ্ডিত মিত্ৰ শত্ৰু ৰাজা ৰেংক পাপ পুণ্য বাক্য বনাও মেৰা সত্য হাম তোমাৰা বাপু মে পাৰ বাক্য বনোৱা তোমালোকে নিজে বনাবা পাত ভালকৈ পৰিবা বাক্য নিজে বনাবা সমনাৰ্থক শব্দ শিখ লানাৰ্থক শব্দ চিনি লোৱা তোমালোকে আগৰ পাঠটো পাইছিলা মই তোমালোকক দিছিলোঁ ঘৰ আলাই ভৱন পানী জাল নীল আদমি মনুষ্য নৰ কিতাপ পুস্তক পুথি ফুল চুমন পুষ্পা চুৰীয়া দিবাকৰ ভাস্কৰ পৃথিৱী ধাৰাণী ধৰ্তী কপৰা বস্ত্ৰ বাচন নাদী চাৰিটা প্ৰবাহিনী আকাশ গগন আচমন তোমালোকে চাৰি নম্বৰ ছয় নম্বৰ কিতাপতে আছে তোমালোকে মুখস্থ কৰি থৈ দিবা এতিয়া সাত নম্বৰ তোমালোকক মই দি আছোঁ संगति बिठाकर लिखो नींबू चीनी करेला नमक मिर्च किन की हबो नमकीन हबो नमक खट्टा की हबो नींबू मीठा की हबो चीनी तीखा की हबो मिर्च कड़वा की हबो करेला मुकस्ता करी थोई दीपा चित्र की जगह पर सही शब्द भरो अमा की लिखी बोडी से चित्र ठाई याद 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 की कर लगी शुद्ध शब्द लिखीब लगीब एक लड़का था वह जंगल में जा रहा था अचानक उसे एक से बाघ दिखाई पड़ा वह तत्काल पेड़ पर चढ़ गया इतने में एक शिकारी आया उसने लड़का को देखा लड़का ক' সাহস মিল গৈ ৱ তুৰন্ত পেটছে উতাৰ আয়া বাঘভি বাঘ ভি চিকাৰী ক' দেখা ভাগ গৈ আটা লা খুচি খুচি ঘৰ পঁচ গৈ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি থৈ দিবা এতিয়া চুলেখ লিখ লিখিব দিছে চুলেখ লিখোঁ এতিয়া আমি হাতৰ আখৰ লিখিব লাগিব गोपीनाथ असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बरदल असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बरदलई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे तुम लोग नेक्स्ट क्लास हबो, नौवा एक सुंदर नुंदर की और चेनेलत नतुनक आब्क्राइब कर আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আকৌ লগ পাম আমি নৱা পাত এক সুন্দৰ বিশ্বাসী ওৰ আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই